ये जान के बड़ी खुशी की पहले यात्री हैं और बहुत अच्छा लगा हमको। आज का वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। आज की वीडियो में आपका मौसम की जानकारी, यात्री की संख्या के अलावा दिखाने वाले हैं किस प्रकार से कल जम्मू से लेकर और श्री माता वैष्णो देवी भवन तक की गई एक नई यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसके अंदर सीईओ अंशुल गर्ग जी ने सभी यात्रियों को किस प्रकार से भेंट देकर इस यात्रा को रवाना कराया गया और कितना इस यात्रा का कॉस्ट रहने वाला है, सब जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। यक्सोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 26 जून 2024 और दिन है बुधवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आज आपको बता देते हैं श्री माता वैष्णो देवी पर चलने वाली एक नई सर्विस, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, और वो है जम्मू से सीधा भवन पर जाने वाले हेलीकॉप्टर की सर्विस। जी हाँ, अब आप केवल 10 मिनट के अंदर जम्मू से लेकर सीधा भवन पर जा सकते हैं, माता रानी के भवन तक। जी हाँ, नीचे शाही छत की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से आपको भवन तक ले जाया जाएगा पंची हेलीपैड पर। और इसके पूरे पैकेजेस के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये सर्विस कल यानी कि 25 जून 2024 से शुरू हुई है, और इसका जो अनावरण किया वो किया सीईओ, जो श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी ने। तो आइए देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से इस पूरी यात्रा की शुरुआत की। हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अंशुल गर्ग जी ने जितने भी यात्री हेलीकॉप्टर के अंदर जाने वाले थे, और अपने जो पहला हेलीकॉप्टर कल वहां से निकला उसके अंदर सभी यात्रियों को अपने ही हाथों से चुन्नियां चढ़ाई, चुन्नी उनको अर्पित की। उसके बाद सभी लोगों को इस यात्रा के लिए प्रस्थान वहां से कराया। हम देख सकते हैं कि कल पूरा दिन केवल 2 फ्लाइट वहां से चली थी, 2 हेलीकॉप्टर जम्मू से रवाना हुए जो सीधा भवन पर गए, और इसके अंदर सबसे पहले यात्री ने क्या कहा, आइए देखते हैं इसके अंदर। ये जान के बड़ी खुशी की पहले यात्री हैं और बहुत अच्छा लगा हमको। वैष्णो देवी यात्रा इतने कम समय में तैयारी कर ली हमने, मात्र 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुंच गए, और बाकी यहाँ के लग रहा है कि अपने मन से महसूस हो रहा है क्या, इतनी अच्छी सर्विस कभी देखी नहीं हम लोगों ने, और हम अपने को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार मध्य प्रदेश से आया हुआ है, हम अपने बहुत खुश मानते हैं। तो क्या कहेंगे वो श्रद्धालु जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज है? जिसको थोड़ी भी तकलीफ है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं और जिनके पास समय की कमी होती है, उनके लिए सर्विस बहुत अच्छी है। जम्मू एयरपोर्ट से आपको सर्विस मिल जाएगी और 10 मिनट में आप वैष्णो देवी माता के दरबार पहुँच जाते हैं, जिससे बेहतर बात मुश्किल हो सकती है। थैंक यू के जो हैं पैकेजेस हैं, सबसे पहले जो सेम डे रिटर्न है वो 35,000 का है, जिसके अंदर आने जाना की जो फ्री टिकट है उसके अंदर हेलीपैड से भवन तक की बैटरी कार सेवा और उसके अलावा दर्शन प्रसाद और भैरव जी की रोचक टिकट शामिल है। और जो नेक्स्ट डे रिटर्न सुविधा है वो 60,000 का पैकेज है, जिसके अंदर SSVP जो हमारी विशेष पूजा रहती है वो भी उसके अंदर सम्मिलित है। तो 2 किस्म के पैकेजेस हैं और कुल मिलाकर 25 लोग डेली सुविधा का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद आपको बता दें कि ये जो भी यात्रा शुरू हुई है उसके अंदर 2 पैकेजेस है, जिसके अंदर पहला पैकेज है जो सेम डे रिटर्न का है, उसका कॉस्ट है 35,000 रुपए, और दूसरा जो नेक्स्ट डे रिटर्न है NDR के अंदर, उसका कॉस्ट रखा गया है 60,000 रुपए। जी हाँ, 60,000 रुपए। और आपको बता दें 35,000 वाले पैकेज जिसके अंदर आपको सेम डे रिटर्न करना होता है, उसके अंदर आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस दी जाती है जम्मू हेलीपैड से लेकर और सीधा भवन हेलीपैड पंची हेलीपैड तक। उसके अंदर आपको एक हेलीकॉप्टर की सुविधा के अलावा आपके पास वहां पर एक बैटरी कार आती है, और बैटरी कार आपको लेके जाती है अपने भवन के गेट तक, और वहां पर आपको एक प्रायोरिटी से दर्शन कराए जाते हैं। उसके दर्शन करने के बाद आपको रोप वे ले आया जाता है, जहां पर आप भैरव घाटी के दर्शन करते हैं, और प्रायोरिटी दर्शन करने के बाद आप वापस नीचे भवन पर आ जाते हैं, और भवन पर आने के बाद आपको वहां से फिर से बैटरी कार के जरिए पंची हेलीपैड तक पहुंचाया जाता है, और उसमें पहुंचाने के बाद आपको वहां से वापस हेलीकॉप्टर द्वारा जम्मू ले जाया जाता है। उसके अंदर पर पर्सन 35,000 रुपए आपका खर्च होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नेक्स्ट डे रिटर्न है उसके अंदर आपको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, और 60,000 रुपए के अंदर आपको इन सभी सुविधाओं के अलावा मिलती है एक रूम की फैसिलिटी, जो 4-बेडेड रूम होता है। उसके अलावा आपको अटका आरती, जो SSVP विशेष आरती वहां पे की जाती है, उसका भी आपको लाभ इसके अंदर मिलता है, और ये सब चीजें आपको 60,000 रुपए कॉस्ट देकर मिलने वाली है। तो ये नई सर्विस है, जो लोग वहां पर जाकर ज्यादा समय नहीं रुक सकते हैं, उनका पास समय का अभाव होता है,
और अब इस तरीके से वो वहां की ये यात्रा को कर सकते हैं। आपके इस यात्रा के बारे में क्या कहना है एक बार हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। तो इस इम्पोर्टेंट न्यूज के बाद आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मौसम की जानकारी के बारे में। सबसे पहले वीडियो हम देख सकते हैं आज सुबह लगभग 9:30 बजे का ये वीडियो हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अभी धूप खिली हुई है और आज का पूरा ही दिन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन आपको साथ साथ यही बता दें कि दोपहर के वक्त यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे और ये पूरे यात्रा ट्रैक पर होने वाला है। जी हाँ, आज बादल भी छाए रहेंगे और जैसे ही ह्यूमिडिटी 40% से क्रॉस करती है तो यहाँ पे हल्की बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं और पूरे यात्रा ट्रैक पर सूर्य देवता के साथ बादलों की लुका छुपी लगातार यूं ही बनी रहने वाली है। आपको बता दें यात्रा शुरू करते वक्त आप अपने साथ पानी और ग्लूकोज जरूर लें क्योंकि जब इस तरह से धूप लगती है तो आपको डिहाइड्रेशन का थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन कोशिश करें आप थोड़े छोटे सिप ग्लूकोज के लेते रहें और यात्रा को जारी रखें। आपको बता दें कि अर्थ क्वारी के बाद आपको किसी प्रकार से कैसी भी धूप हो वो आपको नहीं लगने वाले, पर्वत के दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ पूरे रास्ते में आपको टीन शेड मिलने वाला है। तो परेशानी केवल आपको अर्थ क्वारी तक ही होगी अगर वहां पे तेज धूप भी आज भी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि हल्की लुका छुपी रहेगी बादलों के साथ, तो कुछ इस प्रकार से आज का मौसम रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या के बारे में। यात्रियों की संख्या के बारे में बात करें तो आज यानी 26 जून को भी अच्छी खासी संख्या में यात्रीगण वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें यात्रा ट्रैक पर फ्रिस्किंग पॉइंट पर, चरण पादुका पर और साथ ही साथ अर्थ क्वारी पर काफी ज्यादा जमावड़ा आज भी देखा जाने वाला है। आप सभी लोगों को बता दें कि इस महीने के आखिरी 4 से 5 दिन रह गए हैं और इस दौरान कुछ इसी प्रकार से यात्रियों का जमावड़ा यहाँ पर रहने वाला, उसके बाद यात्रियों की संख्या में अचानक से कमी आने लगेगी। आपको बता दें कि जून का महीना श्री माता वैष्णो देवी भवन पर सबसे ज़्यादा पीक पर रहता है, सबसे ज़्यादा यात्री इसी महीने के अंदर यहाँ पर आते हैं और हमने इस महीने देखा भी है कि यात्रियों की संख्या 50,000 से भी आगे क्रॉस कर गई थी और ऐसा कई दिन यहाँ पर हुआ। उसके अलावा मोस्टली डेज में 40,000 और 40,000 से ऊपर यात्री हमें देखने को यहाँ पर मिले और पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो लगभग 3,25,000 यात्रियों ने 15 तारीख के बाद अगले 8 दिनों तक यात्रा की थी, तो काफी ज्यादा बड़ा यह आंकड़ा था और इस पूरे महीने कुछ इसी प्रकार से यात्रियों की संख्या बनी रही थी। यात्रियों की संख्या के साथ साथ आइए बात कर लेते हैं अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में, इस बड़े हुए यात्री संख्या के कारण वहां पर किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसा कि यक्षोम से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं कि अर्थ क्वारी वह पड़ाव है जहां पर श्री माता वैष्णो देवी ने यहां पर स्थित गर्भजून गुफा के अंदर 9 महीने तपस्या की थी और यही गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए यहां पर एक वेटिंग टाइम दिया जाता है क्योंकि यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है और गुफा का मुहाना छोटा होने के कारण यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है इसमें प्रवेश के लिए और जिसकी वजह से थोड़ा समय यहाँ पर लग जाता है। अगर आज की बात करें तो आज का वेटिंग टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है 48 घंटे। जी हाँ, 48 से 52 घंटे का वेटिंग टाइम आज यहाँ पर दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यात्रियों का जमावड़ा लगा करता है और हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड भी है जितने भी यात्री यहाँ पर आए हैं और श्री माता वैष्णो देवी भवन पर होने वाली आरती को और वहाँ के वातावरण को यहीं से वो देखते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टोकन की लाइन लगती है जहाँ पर यात्री लोग अपना ग्रुप टोकन नंबर लेते हैं। तो ये थी आज की कुछ ताजा अपडेट जो हमने आपको इस वीडियो के सारे दिखाई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। इसके अलावा आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं जिससे बाकी लोगों को भी जानकारी मिले कि हम रोज सुबह 11 बजे के आसपास एक नया वीडियो बिल्कुल ताजा अपडेट के साथ श्री माता वैष्णो देवी भवन से ले आते हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा वीडियो के अंदर, तब तक सभी लोगों को जय माता दी। दर्शन कर लो मैया के, आओ भक्तों दर्शन कर लो मैया के।